देश को संभाल पाने में शून्य है, इनका रिपोर्ट कार्ड शून्य है, इनको भी हटा देना चाहिए और नए मुख्यमंत्री को ले आना चाहिए, इनको भी संविदा टाइप का मुख्यमंत्री रखना चाहिए, ये मांग करते हैं हम लोग। इनके मंत्री संविदा टाइप के होने चाहिए, हर 6 महीने पर इनका एग्जाम हो, इनका कार्य विभाग में ठीक है कि नहीं ठीक है, और उसके बाद इनको हटा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यवस्था जनता पर लागू करना चाहते हो, जो व्यवस्था आप इस प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों पर बीएससी एमएससी एमकॉम एमटेक एमबीए किए हुए नौजवानों पर लागू करना चाहते हो, वही व्यवस्था पहले अपनी सरकार पर लागू करो। संविदा वाले विधायक लाओ, संविदा वाले सांसद लाओ, संविदा वाले मंत्री लाओ, संविदा वाले मुख्यमंत्री लाओ। जब अपने ऊपर इसको स्वीकार करो, तब उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर ये गुजरात की काली नीति ठोकने का प्रयास करना, ये हम चेतावनी देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के नौजवान ने मन बना लिया है, ये जो आपके दिया और थालियां पीटने का ड्रामा था जनता को भरमाने का, जनता ने उसी ड्रामे के रूप में आपको जवाब देने का। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छम मुख्यमंत्री हैं, जो कानून व्यवस्था संभाल पाने में अच्छम है। अभी महोबा में जो घटना हुई है, जिस तरह से डीएम और कप्तान वसूली में लिप्त पाए गए, और मृतक त्रिपाठी जो व्यापारी था जिसकी हत्या हुई, गोली मारी गई, जिसकी कल रात में डेथ हो गई, उसने अपना वीडियो जारी किया था कि पुलिस कप्तान डीएम ने मुझसे पैसा मांगा, 6-6 लाख रुपया वसूली की, और अगर मेरी हत्या होती है तो समझ लीजिए कप्तान ने मेरी हत्या कराई है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, डीएम कप्तान पर हत्या का मुकदमा दर्ज करे, उनको जेल भेजे। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि योगी सरकार अच्छम सरकार है, इनके डीएम कप्तान हत्या करा रहे हैं, लूट करा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति साहब। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।